जेजेपी 29 सितंबर को अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। इस बारे में दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की थी कि पहले नवरात्रे में दूसरी सूची की घोषणा कर दी जाएगी। याद रहे कि 60 टिकटों की घोषणा पहले हो चुकी है, लिहाजा अपने वायदे के अनुरूप पहले नवरात्रे के दिन दुष्यंत चौटाला 40 सीटों की घोषणा कर सकते हैं। जिस बारे में शुक्रवार को दिन भर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों में उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि दुष्यंत चौटाला हल्का अध्यक्षों से भी एक एक उम्मीदवारों के बारे में सूक्ष्मता से छानबीन तो कर ही रहे हैं, बल्कि क्षेत्रवार फील्ड की अपडेट भी ली जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से नारनौन हलके में टिकट को लेकर बगावत हुई थी उससे दुष्यंत चौटाला फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि रामकुमार गौतम की टिकट से नाराज उमेश सिंह लोहान ने न केवल जेजेपी बल्कि दुष्यंत चौटाला व डॉक्टर किशन बांगड़ को भी असहज कर दिया था। लोहान के बगावती तेवरों से जेजेपी की अच्छी खासी किरकिरी हुई थी। जेजेपी नेताओं का मानना है कि जेजेपी अभी नई पार्टी है, कार्यकर्ताओं को जेजेपी के रंग ढंग में ढलने में अभी समय लगेगा, क्योंकि बगावत के चांस टिकटों की घोषणा के बाद फिर सेना बन जाए। इसलिए दुष्यंत चौटाला चाहेंगे कि 40 सीटों की जब घोषणा हो तो कोई भी बगावत का निशान नजर ना आए, लिहाजा बड़ी सावधानी के साथ एक एक उम्मीदवारों के प्रोफाइल पर चर्चा की जा रही है। और उम्मीदवारों से यह भी वचन लिया जा रहा है कि यदि उन्हें टिकट नहीं मिलती तो वे समर्पित भाव से पार्टी उम्मीदवारों को जिताने का कार्य करेंगे। विरोधी दलों के नेता भी दुष्यंत चौटाला की दूसरी सूची पर नजर गड़ाए हुए हैं, ताकि जेजेपी उम्मीदवारों की क्षमता का आकलन किया जा सके और बगावत के पैमाने का भी जायजा लिया जा सके, क्योंकि बगावत करने वाले टिकटार्थियों में भी कई मर्तबा बेहतर कार्यकर्ता मिल जाते हैं। सिटी तहलका ब्यूरो रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।